नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं बम्बम कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। झारखंड पंचायत चुनाव कवरेज के तहत इस वक्त हम हैं गोड्डा जिले के नवडीहा पंचायत में। यहां से एक मुखिया प्रत्याशी हैं जिनका नाम है सुमन कुमार, क्रम संख्या 5 पे अंकित है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या विकास का एजेंडा लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे। नमस्कार, मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, पोड़ियाहाट ब्लॉक से नोडिया पंचायत के प्रत्याशी मुखिया पद के लिए उम्मीदवार हैं। हम एक एजेंडा बनाए, घोषणा पत्र बनाए हैं जिसमें लिखे हैं चुनाव के एक महीने के अंदर पंचायत भवन में सभी पंचायत से संबंधित अधिकारी को बैठाना, खराब पड़े सभी स्ट्रीट लाइट को मरम्मत कराना, सप्ताह में 3 दिन पंचायत के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक कर्मचारी पंचायत भवन में बैठेंगे जिससे किसी को ब्लॉक का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, सभी विधवा और वृद्धा के लिए पेंशन निशुल्क उपलब्ध करवाएंगे, प्रधानमंत्री आवास में किसी भी लाभुक से किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास में लाभुक को पूरा पैसा मनरेगा मजदूर को भुगतान किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार को इसका लाभ दिलाया जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से रोक लगेगा, किसी भी योजना में घुसखोरी नहीं होगा, पंचायत के अधूरे पड़े सड़क पर PCC निर्माण होगा, खराब पड़े चापाकल को तुरंत मरम्मत किया जाएगा, पंचायत भवन में CSP एवं प्रज्ञा केंद्र का सिर व्यवस्था की जाएगी, पेयजल की व्यवस्था जगह जगह पर की जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था प्राथमिकता होगी। ये सब मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहाँ देखते हैं कि जनताओं का अपार समूह इनके साथ है। इन लोगों से भी थोड़ी बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या मनसा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार ठाकुर है, नोडिया पंचायत कठौन गांव के हैं हम निवासी। इस बार सुमन कुमार को जो है हम लोग जो है जिताने का जो है संकल्प लिए हैं और उम्मीदवार अच्छा है और सब पर जो है विकास कार्य करेंगे, हम लोग को पूर्ण विश्वास है। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम सत्यनारायण पंडित है, हम कठौनपुर से हैं, नोडिया पंचायत कठौन ग्राम से रहने वाले हैं और इस बार हम लोग सुयोग, सुशील एवं शिक्षित उम्मीदवारों का चयन जो है सुमन कुमार के रूप में कर रहे हैं। आपका सर? मेरा नाम जाकिर अंसारी है, नाजी टोला कठौन से रहने वाला है। इस बार सुमन पंडित जो हमारा पंचायत से मुखिया बनने जा रहे हैं, इनको हम लोग फुल सहायता करके जिताएंगे। माला इनको पहना दिया जाए अभी? इनका कहना है जनता का कि माला जो है इनको अभी ही पहना दिया जाए। आपका भैया क्या नाम है? मोहम्मद शमशाद अंसारी है, मैं कठौन नाजी टोला कठौन से हैं। सुमन भैया को आपके बाद जिताना है, बस यही हम लोगों सबको इच्छा है कि बढ़िया से बढ़िया जीत जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद सुमन कुमार, जिंदाबाद जिंदाबाद दूरबीन छाप, जिंदाबाद दूरबीन छाप, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा जी जीतेगा, सुमन भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुमन भैया जीतेगा। झारखंड पंचायत चुनाव कवरेज के तहत इस वक्त हम हैं गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड में। यहाँ एक पंचायत है द्रौपद, यहाँ के एक मुखिया प्रत्याशी हैं अविनाश यादव जी। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। इनका चुनाव चिन्ह है सेब छाप। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते सर। आप क्या चुनावी मुद्दा लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे? चुनावी मुद्दा है मेरा गरीबों का जो है सो मतलब विकास करना, गरीबों का विकास करना और किसान का सेवा करना, और हम एक किसान हैं भी, द्रौपद का एक किसान है, और हमारा सेवा है कि किसान को हर तरह का सहूलियत मिले और हर तरह का फैसिलिटी मिले, और हम समाज सेवा में हम लगे हुए हैं। समाज सेवा में ये लगे हुए हैं। पूर्व मुखिया में कौन सी ऐसी कमी थी जिन योजनाओं को आप में मुख्य भूमिका निभाई? पूर्व मुखिया में भ्रष्टाचार छोड़ के कुछ हुआ ही नहीं आज तक, सिर्फ भ्रष्टाचार। वो हमारा जनता से पूछिए, बताएंगे कि 7 साल हो गया पंचायत चुनाव करने में और क्या मतलब क्या नहीं किया। क्या नाम है सर आपका, बताइए? बजरंगी कुमार यादव। बजरंगी यादव जी, क्या अविनाश यादव जी के पक्ष में आप लोग हैं? जी एकदम पक्ष में। आपका क्या नाम है? राजेश कुमार यादव।
ये समाज सेवा का काम पूर्व में करते थे? हाँ करते थे। और अभी मुखिया बनने के बाद भी करते? हाँ करते रहेंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? राहुल कुमार यादव। क्या आप लोग अविनाश यादव जी के साथ हैं? हाँ। एक महिला भी यहाँ है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। हाँ। क्या नाम है आपका? प्रमिला दे। अविनाश यादव जी को जानते हैं? हाँ। कैसा इनका छवि है? ठीक, खूब बढ़िया। खूब बढ़िया छवि है। क्या चुनाव चिन्ह है इनका? हाँ, चिन्ह है मुखिया सेब छाप चुनाव चिन्ह है। आइए इधर आइए, आप आइए आइए आइए। अविनाश जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या है इनका चुनाव चिन्ह? सेब छाप। और आइए आइए इधर आइए। आपका क्या नाम है भाई? हमारा सुचित मंडल नाम। सुचित मंडल जी, तो क्या अविनाश यादव जी को आप लोग चाहते हैं? हाँ ठीक, प्रत्याशी ठीक है, बढ़िया है। क्या ठीक, समाज सेवा का काम इन्होंने पहले किया हुआ है? पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी करेंगे। आपका क्या नाम है? दिलीप यादव। दिलीप यादव जी, क्या तो अविनाश यादव जी के साथ आप लोग हैं? हाँ साथ ही है। जनता का अपार प्यार मिल रहा है। आइए। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? श्री पाथर मेरा नाम है। श्री पाथर, तो क्या अविनाश यादव जी को जानते हैं? बहुत बहुत जानते हैं। ये मुखिया लायक प्रत्याशी हैं? जी हाँ है।